हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम जेई 2021 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो जेई में आ चुके हैं। ठीक है, एक तो था वो कूलम्स लॉ प्लस कंडक्शन, ऐसा क्वेश्चन था, और एक ये जो था ना, ये तो रिपीटेड है पैटर्न, मतलब ये बहुत बार 19 में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा उन्होंने अलग पूछा था, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स विद निगलिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनो कूलम एंड -2.1 नैनो कूलम चार्जेस रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्पीयर is dash into 10⁻⁹ newton and 4πε₀ का जो वैल्यू है वो कितना है 1/9 × 10⁹। वो तो हमें मालूम है, लेकिन उन्होंने दिया था क्वेश्चन। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस है। उन्होंने क्या पूछा है, बोला है कि दो चार्जेस हैं 2.1 नैनो कूलम एंड -0.1 नैनो कूलम। ठीक है, अभी वो ठीक है, उनको मैंने कॉन्टैक्ट में लाया, तो वो अगर कॉन्टैक्ट में लाया और फिर सेपरेट किया 0.5 मीटर से, तो कांटेक्ट में लाया है दो चार्जेस को, तो अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाता हूँ तो कितना बनेगा, ये 2.1 और -0.1, तो ये बनेगा 1 नैनो कूलम ये 1 क्यूब, क्योंकि हम तो जब कांटेक्ट में लाते हैं दो चार्जेस तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ऐसा करते हैं, तो 2.1 -0.1 मतलब 2 बाई 2 1 और ये भी 1, तो अभी ये कितने चार्जेस बन गए, ए और बी, 1 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम। ये अल्जेब्रिकली समेशन है, एडिटिविटी। अभी बाद में बोला कि वो दो चार्जेस हुए 1 नैनो कूलम के, अभी के उनको सेपरेट किया 0.5 मीटर डिस्टेंस पर, तो अभी उनमें फोर्स है डैश इनटू 10⁻⁹ न्यूटन। कितना फोर्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी ये 1 नैनो कूलम ये 1 नैनो कूलम और उसमें सेपरेशन है 0.5 मीटर का, तो एफ बनेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू है 9 × 10⁹, 1 Q1 है 1 × 10⁻⁹, Q2 है 1 × 10⁻⁹ और डिस्टेंस 0.5 है उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 3.6 × 10⁻⁸ न्यूटन। तो लेकिन उनको ना न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है, उनको ये पावर 10 की पावर -9 चाहिए, तो इसको -9 बनाता हूँ मैं, इसको 36 बनाता हूँ × 10⁻⁹, तो यहाँ पर कितना फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आने वाला है 36, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 36। ठीक है, ओके, तो ये कूलम्स लॉ और कंडक्शन पर क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी जेई 2021 में आ चुका है, फेब्रुअरी अटेम्प्ट में। ठीक है, अभी देखो। टू स्मॉल स्पीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय थ्रेड्स 0.5 मीटर लॉन्ग। दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। द चार्ज ऑन द ईच ऑफ द स्पीयर इज ए बाय 21 × 10⁻⁸ कूलम्स। द वैल्यू ऑफ द ए विल बी, ओके, द वैल्यू ऑफ द ए विल बी। देखो अभी पहले तो उसमें डायग्राम निकालना पड़ेगा, तो डायग्राम क्या, देखो दो ऐसे चार्ज स्पीयर है और हर एक का जो मास दिया है ना वो कितना दिया, 10 मिलीग्राम दिया, ये नोट करो अच्छे से, मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम। अभी ये मैंने अगर ऐसे स्पीयर है तो ये थ्रेड है, उसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, तो अभी ये टेंशन तो टूवर्ड्स द लगे, वो टेंशन रहेगा ऐसे, तो अगर टेंशन ऐसा रहेगा तो ये एंगल थीटा बन गया, ये डॉटेड लाइन है, वर्टिकल नॉर्मल है, तो ये थीटा तो अल्टरनेट थीटा, तो ये बनेगा टी कॉस थीटा, ओके, और ये बनेगा वो टी साइन थीटा, क्योंकि ये ऐसे है, तो रिजोल्व करेगा, मैं रिजोल्व करूंगा तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा। इधर देखो, इधर भी ये टी कॉस थीटा ऊपर और इस साइड पर टी साइन थीटा, तो अभी ये दो चार्ज स्पीयर्स है, तो चार्ज स्पीयर्स जो रिपेल करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल से हो रहेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अभी देखो इसमें सेपरेशन, जब ये इसे रिपेल करेंगे तो ये जो सेपरेशन है 0.2 मीटर दिया, और ये लेंथ जो है ना वो भी प्रॉब्लम में दिया है उन्होंने, ठीक है, लेंथ 0.5 दिया है, 0.5 देखो ये लेंथ है, ये 0.5 इसकी लेंथ है, लेंथ, और ये डिस्टेंस 0.2 है, तो अभी इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना नीचे, तो ऊपर कितना लगेगा टी कॉस थीटा अपॉन डाउन साइड में एमजी, तो इक्वेट किया, और इधर टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो अभी बहुत बार आपको रिपीट हो चुका है, फिर भी एग्जाम में ये नहीं करना है आपको, डायरेक्टली लिखना है टैन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ठीक है, अभी कैसे, ये जो थीटा एंगल है ना बहुत छोटा है, तो थीटा अगर छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली, तो अभी इसमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अभी देखो ये
ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इज दिस साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये लेंथ, तो ये टोटल एक्स है, मैं उसको अभी एक्स मानता हूँ। अगर आप पॉइंट टू लेकर जा रहे हो तो फिर ये कितना बनेगा, पॉइंट वन, वैसे भी लिख दो, तो मैं उसको अगर एक्स लिख रहा हूँ तो ये एक्स बाई टू बनेगा, तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये, अभी देखो अपोजिट साइड में कैसे लिया, देखो टोटल ये एक्स है, सपोज मैं एक्स मान रहा हूँ, अगर आप पॉइंट वन लेकर जा रहे हैं तो फिर ये पॉइंट वन, पॉइंट टू लेकर रहे हैं, पॉइंट टू है तो उसका हाफ करो, मैं एक्स है तो ये कितना बनेगा, एक्स बाई टू, परपेंडिकुलर है ना, तो एक्स बाई टू और हाइपोटेनियस है तो ये, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई टू है इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ये तो है क्योंकि साइन थीटा को मैंने इक्वेट किया अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा से, तो एफ ई बाई एम जी, तो इससे एफ ई क्या मिलेगा, एफ ई एक्स बाई टू एल इंटू एम जी। अभी एफ ई क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, इक्वल टू ओके इज इक्वल टू एक्स बाई टू एल इंटू एम जी, तो क्यू स्क्वायर के लिए अरेंज करूंगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इधर तो एक्स क्यूब बाई टू एल के एम जी, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया पॉइंट टू में क्यू अपॉन टू इंटू एल दिया पॉइंट फाइव इंटू के का वैल्यू नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन इंटू मास दिया 10 मिलीग्राम, तो 10 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ग्राम इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री करो तो किस में मिलेगा, ये बेसिकली केजी में मिलेगा, इंटू ये जी का वैल्यू हमें लेना है 10, सारे वैल्यू अच्छे से सब्सटीट्यूट करने हैं, तो फिर क्यू स्क्वायर मिलेगा पॉइंट टू क्यू अपॉन नाइन इंटू टेन रेस टू नाइन इंटू टेन रेस टू माइनस, तो क्यू मिलेगा रूट में 88.8 इंटू टेन रेस टू माइनस 18, तो ये आने वाला है 9.423 इंटू टेन रेस टू माइनस 9 इज इक्वल टू ए बाई 21 इंटू टेन रेस टू माइनस 8। अब ये किधर से लिखा, उन्होंने दिया ना प्रॉब्लम में कि चार्ज वन इस पर ये आता है ए बाई 21 इंटू टेन रेस टू, तो ये चार्ज है इसको इक्वेट किया इससे, तो हमें ए निकालना है, तो ए मिलेगा 9.428 इंटू टेन रेस टू माइनस 9 इंटू टेन रेस टू 8 इंटू 21, ये 21 मल्टीप्लाई करो तो ए मिलेगा 197.8 इंटू टेन रेस टू माइनस 1, तो ए मिलेगा 19.78 इंटू 1 मतलब 19.78, तो 19.78 मतलब अगर इंटीजर हमें पुट करना है तो 20 डालना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू कितना बना 20, तो हमारा जो आंसर था एनटीए ने दिया हुआ वो 20 था, ठीक है, इसका जो आंसर दिया था एनटीए ने वो कितना था 20 था। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से आना, अभी अभी देखो स्टूडेंट्स ये तो ठीक है, मैंने ये अभी आप इस पोजीशन अब जब भी एग्जाम के लिए जाओगे तो अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे से आता है ओके क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई टू एल के इंटू एम जी ओके, तो फिर आपको ये सारा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख कर भी डायरेक्टली आंसर मतलब उसमें वैल्यू पुट करके पूरा आंसर निकाल सकते हो, तो ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आता है स्टूडेंट्स ओके। तो जब भी आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हर ऐसे टाइप के तो फिर आपको ये पैटर्न दिखने लगता है, वो इमेजिन होता है, तो इधर जो अभी ये इंपॉर्टेंट है ना, इधर ये जो किया यहाँ तक हो तो मैकेनिकल वर्क है, वो हर बार करना पड़ेगा ऐसे प्रॉब्लम में, तो आप ये चार्ज कर ये अगर ध्यान में रखते हो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको वो अच्छे से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये दो क्वेश्चन इस सेशन में लिए थे, अब हम और दो प्रॉब्लम देखेंगे ठीक है, जो भी जेई 21 में आ चुके और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पार्ट है। अभी देखो ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पास अ 20 कूलम चार्ज, जो बैटरी हम कनेक्ट टू कितना चार्ज देंगे 20 कूलम थ्रू अ सर्टेन गिवन टाइम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द बैटरी इज मेंटेन एट 15 वोल्ट देन वर्क डन बाय द बैटरी इज, तो अगर एक बैटरी हमने कनेक्ट किया तो वो चार्ज कितना देती है, तो चार्ज है 20 कूलम का, तो उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन रहता है उसमें 15 वोल्ट है, तो कितना वर्क होगा, अभी देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज है तो हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क कितना बनेगा, वर्क बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो अभी ये तो बेसिक है ना, V इज W बाई Q, तो W क्या बनेगा V इंटू क्यू, तो V कितना दिया इधर 15 वोल्ट, Q कितना दिया 20, कितना बना आंसर 300 जूल्स, ये जेई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, सिर्फ वर्क निकालना था, चार्ज भी दिया था और अभी बैटरी वगैरह वो थोड़ा सा वो स्टेटमेंट उन्होंने वो बढ़ा कर दिया है, लेकिन उसका कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं इधर, 20 इंटू 15 मतलब ओरली वे स्टूडेंट आंसर कर सकता है, W इज वी दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस 300 जूल्स, ठीक है ओके। ये देखो अभी ये अगेन गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है, देखो क्या है,
पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक प्लस 12 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर है, उसका साइड है 12 सेंटीमीटर। तो यस, इस सेंटर से 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू इट विल बी कितना होगा, तो उन्होंने दिया वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अभी देखो ये स्क्वायर है, उसका साइड है ये 12 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर इसको ऐसा सीधा करता हूँ, इस स्क्वायर को ऐसा है ना टेढ़ा है, उसको इधर ऐसा किया तो ऐसा दिखने लगेगा ना, ये स्क्वायर ऐसा होगा। स्क्वायर अभी थोड़ा स्क्वायर ऐसे समझो, ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं उसको स्क्वायर ही बनाता हूँ। ये स्क्वायर है सपोज, सारे साइड सेम होने चाहिए उसके, ठीक है, ओके। अभी देखो तो इस सेंटर से, तो उन्होंने बोला है ना अबो द सेंटर ऑफ साइड, तो ये सेंटर है, इससे ऊपर कितना है 6, ठीक है। तो मतलब ये एक पार्ट हुआ, तो मैं इसको अगर ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, इस डायग्राम में क्यूब बनाया, ये स्क्वायर है, ठीक है। अभी देखो यहां से 6 है तो 4, अभी गॉस थ्योरम लगाने के लिए वो 4 को एनक्लोज होना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा एक स्क्वायर है, ऐसा पीछे भी एक स्क्वायर होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी। तो अभी इसको पूरा क्लोज कर दिया, तो ये 4 हो गया क्लोज। तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना है, कैसा है, देखो ये टोटल से 12 है, तो ये एक स्क्वायर का पार्ट है, तो उधर यहां से 6 है, मतलब क्या, ये जो 4 है सेंटर पर है स्क्वायर के, ठीक है। तो अभी मालूम है आपको, अगर गॉस थ्योरम से अगर 4 सेंटर पर है क्यूब के, तो टोटल फ्लक्स निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी यहां से फ्लक्स कितना जाएगा, ये तो बेसिकली एक ये हो गया ना, एक फेस हो गया, तो एक फेस से कितने फेस से एक फेस से कितना फ्लक्स जाता है टोटल, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो मैंने बेसिक फॉर्मूला लिखा, फ्लक्स इज समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से ये कितना जाएगा, क्योंकि डायग्राम में तो ऐसे ही चाहिए, 6 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। तो चार्ज कितना दिया, 12 × 10⁻⁶ कूलम्स अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹2। तो कितना आता है आंसर, 225.98 × 10⁻³। तो उन्होंने यही तो बोला है कि -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर वो इंटीजर हमें लिखना है नंबर एक, तो वो अप्रोक्सीमेटली 226 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 226, ठीक है। तो ये भी दो अच्छे क्वेश्चन थे स्टूडेंट, एक था पोटेंशियल पर और एक था गॉस थ्योरम पर, उसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना था, ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई 2021 में आ चुका है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही बेस है। क्या है क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय ई बार इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप न्यूटन पर कूलम। द रेशियो ऑफ द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर इन ब्रैकेट पैरेलल टू वाई जेड प्लेन टू द सरफेस एरिया ऑफ एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन इज ए एस टू बी और ए बाई बी देन ए इज। अभी देखो स्टूडेंट्स, पिछला क्वेश्चन जो था वो भी गॉस थ्योरम पर ही था, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, डायरेक्टली चार्ज गिवन था, तो फ्लक्स निकाला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, एरिया दिया है। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्लक्स पर, कभी कभी डायरेक्ट चार्ज देंगे, कभी कभी फील्ड देंगे, एरिया देंगे। ये दो टाइप ही है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला 5 है, अभी दो एरिया है तो दो फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उसका रेशियो लेना है। तो पहला तो फ्लक्स होगा 5/1 = E⁻/A₁, ठीक है, कोई मालूम है आपको फ्लक्स होता है E⁻/A₁। अभी देखो ई तो दिया 3/5 E₀ i कैप + 4/5 E₀ j कैप into, अभी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कैसे लिखा मैंने, इस पर ही सब है। क्या बोला है उन्होंने, एरिया वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड तो 0.2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन उनको यूनिट वेक्टर भी होगा उसके साथ, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन मतलब उसका यूनिट वेक्टर आई कैप आने वाला है। वाई जेड प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या, उसको वाई जेड प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर क्या, उसको परपेंडिकुलर कौन होता है आई कैप होता है। तो इसीलिए वो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप, मतलब पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है वो एरिया, वो जो एरिया होता है वो वाई जेड प्लेन के लिए पैरेलल है। अभी देखो ये सपोज ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो अभी ऐसे, ठीक है, अभी मैंने ये एक्स लिया, ये वाई लिया और जेड, वाई जेड प्लेन मतलब ये, तो ये प्लेन हो गया ऐसे, ये एरिया बन गया, ठीक है, तो उसको पैरेलल, तो वाई जेड प्लेन के लिए पैरेलल है, तो पैरेलल टू द वाई जेड, सॉरी पैरेलल टू द पहले वाई जेड, तो ये वाई जेड प्लेन के लिए पैरेलल है, ठीक है। तो फिर उसका यूनिट वेक्टर तो एक्स आई कैप रहेगा ना, उसको परपेंडिकुलर इस एरिया को, क्योंकि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है,
एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये एरिया बन गया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, मतलब ये क्या बन गया, ये तो आई कैप बन गया एक्स एक्स डायरेक्शन, इसलिए आई कैप लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया पॉइंट टू आई कैप, तो अभी यार मल्टीप्लाई, अभी अभी ये डॉट प्रोडक्ट है, ई बार डॉट ई बार है, तो आई डॉट आई मतलब वन, तो थ्री बाय फाइव इंटू पॉइंट टू मतलब पॉइंट सिक्स बाय फाइव आ गया, ये तो जीरो होगा क्योंकि जे डॉट आई जीरो। अभी सेकंड टाइम उन्होंने पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन बोला है, तो एक्स जेड प्लेन पैरेलल मतलब कौन सा, तो वाई जेड प्लेन ये हुआ, ठीक है, एरिया जो है वो, एरिया जो है वो एक्स जेड प्लेन मतलब ये एरिया है, तो एक्स जेड मतलब ये एरिया, तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो उसका नॉर्मल टू द सर्फेस क्या होगा, इसको नॉर्मल टू द सर्फेस तो बेसिकली वाई होने वाला है, एक्स जेड प्लेन है ना वो, तो फिर वाई होगा क्योंकि ये तो है, तो उसको नॉर्मल टू द सर्फेस ऐसा होगा, तो फिर ये एक्स वाई है ना, ये एक्स है एक्स जेड है, तो उसका नॉर्मल तो वाई, तो जे कैप, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट थ्री जे कैप लिखा मैंने, तो ये ई बार डॉट ई बार थ्री बाय फाइव ई नॉट आई कैप प्लस फोर बाय फाइव ई नॉट जे कैप इंटू पॉइंट थ्री जे कैप, तो शॉर्टकट देखो ये वाई जेड है तो मिसिंग कौन है एक्स, तो उसका यूनिट वेक्टर आई, एक्स जेड है तो उसका मिसिंग कौन है वाई, तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, ये शॉर्टकट के एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली ऐसे कर रहे हैं, तो ये पॉइंट थ्री जे कैप है, तो अभी ये टर्म जाएगी क्योंकि आई डॉट जे जीरो होगा, तो फोर बाय फाइव इंटू पॉइंट थ्री, तो वन पॉइंट टू बाय फाइव फाइव टू, अभी रेशियो लो फाइव वन बाय फाइव टू, पॉइंट सिक्स बाय फाइव अपॉन वन पॉइंट टू बाय फाइव दैट इज पॉइंट सिक्स बाय वन बाय वन पॉइंट टू दैट इज वन बाय टू, विच इज इक्वल टू ए बाय बी, ऐसा दिया है, तो ए कितना बना वन, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया वन, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं फ्लक्स पर, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी जेई 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके साथ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जेई 2021 के, उसमें कूलम्स लॉ और कंडक्शन पर एक क्वेश्चन था, उसके बाद में एक स्पेशल केस था वो स्फेरिकल बॉब पेंडुलम थे, तो बॉब चार्ज स्पीयर से उस पर, उसके बाद एक वर्क डन पोटेंशियल पर क्वेश्चन था, और ये दो क्वेश्चन जो थे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन पर थे, तो एक तो उसमें चार्ज दिया था और एक के टाइम चार्ज नहीं देके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दिया था, ठीक है, तो फिलहाल हम रुकते हैं इस सेशन में।